इसे तो पाकिस्तान की टीम ने जैसे ही टॉस हारा वहां पर मैच हार चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास जो कि 40 बार पर 339 रन का जो टारगेट दिया है इंग्लैंड ने, वो चेस करने के अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर 40 छक्के मारने के बाद भी वो टारगेट चेस नहीं हो सकता, यहाँ से पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट क्या है, बाहर ही हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से उन्हें 40 गेंदों पर जो टारगेट मिला है छक्के मारने के बाद भी अगर पूरा नहीं होता है तो ये बाहर ही है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ख़राब खेल दिखाया पाकिस्तान के बॉलरों ने, क्योंकि अगर उन्हें कम रन पर रिस्ट्रिक्ट करते तो कुछ चांस बन सकता था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की गेंदबाजी जो कि उनकी स्ट्रांग साइड थी, वो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर लग रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में आई है, काफ़ी बेकार गेंदबाजी है दोस्तों। इनकी स्पिन बॉलिंग तो कुछ खास नहीं है, जैसे कि एक क्लब लेवल की बॉलर बॉलिंग डालते हैं, और उनके जो गेंदबाज फास्टर है वो काफ़ी नाम कमा के आए हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ इंडिया में आने के बाद उनकी 4 ओवर के ही बॉलर हैं ये, क्योंकि 10 ओवर में इनकी डालने की काबिलियत नहीं है, जो कि इनके पेस को यहाँ पर अच्छे से कुटाई लग रही है, और जो कि इनकी इनस्विंग आउटस्विंग इनकी गेंदें नहीं होती हैं। लेकिन आखिर के 10 ओवर में जब रिवर्स स्विंग होता है तब ये मैच पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गेम को चलाया, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो काफ़ी काबिल तारीफ थी। क्योंकि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप थे, आउट ऑफ द फॉर्म थे, आउट ऑफ द वर्ल्ड कप ऑलरेडी हो चुके थे वो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खेल बताया है वो देखने लायक था। क्योंकि बेन स्टोक जो कि बाहर होने के बाद, जब भले ही उनकी इस इनिंग की वर्ल्ड कप के लिए नज़रिए से कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेल की दिखाया है, वो पाकिस्तान को गेम से दूर ले गए। और जो रूट भी इस समय काफ़ी बुरे फॉर्म से, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की और कुछ शॉट अच्छे खेले और अपने विकेट को बचाए रखा। इसके बाद ब्रेस्टो भी जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से फॉर्म में आए, और इंग्लैंड यहां पर अच्छा टोटल पाकिस्तान को दिया है। देखते हैं यहां से इस टोटल को पाकिस्तान चेस करता है या नहीं करता है, क्योंकि आउट ऑफ द सेमी हो चुका है पाकिस्तान। यहाँ से नामुमकिन नहीं, 101% 2014 कितने भी परसेंट लगा लो, पाकिस्तान यहाँ से बाहर हो चुका है। दोस्तों पाकिस्तान को इससे पहले ही सोचना चाहिए था कि किस तरह से उन्हें अपने रन रेट पर काबू करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान भी एक अच्छी टीम यहाँ पर थी, क्योंकि आशियाई कंडीशन में वो खेल रही थी। आशियाई कंडीशन हो सकता है कि उनका डिसएडवांटेज यही है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में आके उनकी पिचों का उतना अंदाज़ा नहीं है, और पिचों का अंदाज़ा क्यों क्या है छोड़ो, सो उनकी काबिलियत ही नहीं थी कि वो सेमी में जाने का डिजर्व कर सके। जी हाँ दोस्तों, वो काफ़ी काबिलियत नहीं थी उनकी कि सेमी डिजर्व कर सके हो, क्योंकि जिस तरह का खेल उन्होंने बताया है, उन्हें सेमी में डिजर्व करना नहीं चाहिए। जिस जो टीमें सेमी में जा चुकी हैं सेमीफाइनल में, वो डिजर्व करती हैं, उन्होंने खेल भी अच्छा बताया है। और हारिस रफ तो यहाँ पर इंडिया में पीटने के लिए ही आई थी, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी को इंडिया में हर एक टीम के बल्लेबाजों ने कूटा है, एक साधारण गेंदबाज लगे, कुछ विकेट में जान हो या ना हो, इनकी गेंदबाजी में जान नहीं थी। शाहिनशाह अफरीदी भले ही 18 विकेट यानी कि 18 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनकी भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आई। और बाबर आजम भी उतने फॉर्म में नहीं था, भले ही उनके 450 आए हैं, अच्छा फॉर्म नहीं था उनका, क्योंकि वो अपने 50 को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी यहाँ से कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो इस इनिंग को बड़े इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। इसी वजह से पाकिस्तान आज सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है, और उन्हें पैकअप भी करना जरूरी है। बची कुछ साख अगर बचानी है तो उन्हें आज का मैच जीत के एक उम्मीद लेके जाए, क्योंकि इस भी रन रेट को चेस करना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों हंसी आ रही है, क्योंकि 340 रन का स्कोर कोई जोक नहीं होता है, और इंग्लैंड जैसी टीम इनको चेस करने भी नहीं देगी। आप